देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शराब के लिए बुजुर्ग पर हमला, एक ही दिन में तीन घरों में सेंध मारी, युवक ने फांसी लगाकर जान दी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। शराब नहीं देने पर एक आरोपी ने पड़ोसी बुजुर्ग पर हमला कर जख्मी कर दिया। नंदनवन झोपड़पट्टी में शुक्रवार दोपहर हुई इस वारदात में जख्मी अशोक जाधव है। अशोक जाधव और आरोपी सुधीर चिवड़े पड़ोसी है। शुक्रवार दोपहर 4:45 के दरमियान चिवड़े जाधव के घर गया। उसने उसे शराब देने को कहा। जाधव के मना करने पर आरोपी ने उससे विवाद करते हुए हमला कर दिया। पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया है। दूसरी खबर, समीप्त गांव सूत में चोरों ने एक ही रात में तीन घरों में सेंध लगाकर 1,94,000 रुपए का माल उड़ा दिया। वारदात गुरुवार 12 अगस्त को हुई। गौतम मेंढी के घर के लोग सो रहे थे। इस दौरान चोरों ने भीतर प्रवेश कर दो अलमारियों में रखे 54,000 रुपए मूल्य के गहने और 46,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। लता चौधरी के घर से 63,000 रुपए मूल्य के गहने और 20,000 नगद उड़ा लिए गए। विट्ठल वालकटे के घर से 11,000 रुपए कीमत का मोबाइल फोन चुरा लिया। उमरेड पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, उमरेड स्थानीय इतवारी पेट स्थित लॉज में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक जोगी नगर नागपुर निवासी अभिलाष सुनील पाटिल है। घटना शुक्रवार की रात हुई। लॉज का मैनेजर राहुल गेडाम शनिवार की सुबह रूम चेक करने गया था, तब मामला उजागर हुआ। उमरेड पुलिस जांच कर रही है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।